आज कार्य दिवस में कोषागार बांदा मुख्य कोषाधिकारी कक्ष में जनपद के समस्त पेंशनर्स संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जनपद में 75%+ अभियान के संबंध में एक बातचीत रखी गई। समस्त प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी महोदय बांदा के द्वारा जारी अनुरोध पत्र की प्रतियां उपलब्ध कराई गई। समस्त पेंशनर संगठन प्रतिनिधियों के द्वारा उक्त अभियान में जुड़कर जन सामान्य को प्रेरित किए जाने का आश्वासन दिया गया। जिले के सभी क्षेत्रों से पधारे प्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जिलाधिकारी महोदय बांदा के द्वारा चलाए जा रहे 75%+ अभियान के संबंध में लोगों को जागरूक करें और समस्त मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों को संदेश रैलियां, नुक्कड़ नाटक आदि सभा के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए आश्वासन दिया। मुख्य कोषाधिकारी बांदा दिनेश बाबू के द्वारा समस्त पेंशनर संगठनों से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा चलाए जा रहे 75%+ अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए अपील की गई कि सभी संगठन प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करें और जनपद में 75% मतदान का लक्ष्य प्रयास करने के लिए सार्थक और प्रभावी प्रयास करें। और बैठक में श्री कन्हैया लाल दीक्षित अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रादेशिक प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद शाखा बांदा, श्री राजा बाबू वाजपेयी अध्यक्ष राजकीय सिविल पेंशनर परिषद शाखा बांदा, श्री श्यामले प्रसाद गुप्त व उपाध्यक्ष शांतनु चतुर्वेदी संगठन मंत्री के साथ जनपद के सभी ब्लॉकों के संगठन प्रतिनिधि और अन्य पेंशनर्स यहां पर उपस्थित थे। जनरल असेंबली इलेक्शंस 2022 होने वाला मतलब पूरी तैयारी हो गई है और हमारे ज़िले में 23 फरवरी को मतदान होना है। उस क्रम में चुनाव आयोग की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, अपने घरों से निकलें। उसी क्रम में हमारे जिलाधिकारी महोदय ने हमारे जो कोषागार से पेंशन ले रहे जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं, लगभग 10,000 पेंशनर्स हैं, तो जिलाधिकारी महोदय ने मुझे एक दायित्व दिया था कि सभी पेंशनर्स को एक चिट्ठी लिखी, मैंने लिखा है और वो उन तक पहुंच जाए और मेरा मैसेज भी कन्वे हो जाए। तो उसी क्रम में ये जो जिलाधिकारी महोदय ने एक चिट्ठी लिखा था और उनका मकसद ये है कि हमारे जनपद में 75% से ज़्यादा मतदान हो। इस क्रम में हमने पूरे जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, बेसिक शिक्षा परिषद के जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, हमारी जो सिविल पेंशनर्स की एसोसिएशन है, उनके ब्लॉक लेवल तक के जितने भी पदाधिकारी हैं और जनरल पेंशनर हैं, उनको मैंने बुलाया था और उनसे अनुरोध किया कि आप लोग न केवल अपना मतदान जरूर करें और बल्कि अपने परिवार का और अपने आसपास जो जितने भी जो 18 साल से अधिक के मतदाता हैं, उनको आप प्रेरित करें, चूंकि आपकी अब ये चूंकि गुरु भी हैं, शिक्षक भी हैं और अब आप सीख देने के लिए और भी माकूल हैं। तो उसी क्रम में सभी लोगों ने जो है बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा नहीं सर, ये बहुत अच्छा काम है और ये जैसे कहे हम लोगों ने जब जाएंगे तो हम इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। मतलब आपको आश्वासन मिला उनसे? हाँ, पूरा आश्वासन मिला और उन्होंने इससे पहले भी हमारा बड़ा अच्छा इन्होंने सहयोग किया हमारे जैसे पूर्व जिलाधिकारी महोदय थे तो कोविड के संबंध में जागरूकता के संबंध में किया गया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो पेंशनर्स एसोसिएशन है और पेंशनर्स जितने हमारे पेंशनर्स हैं वो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ करके न केवल भाग लेंगे बल्कि अपने परिवार को और आस पड़ोस के जितने भी वोटर हैं वो उन्होंने नारा दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान, ये कह रहे थे कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसी के साथ जो है वो लोग गए और मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया। जी जी, थैंक यू।